नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सुबह के 6 बजे हैं। इस वक्त हम कंपनी गार्डन में मौजूद है, जहां पर मोक्षायतन योग संस्थान एवं सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सामूहिक कार्यक्रम में यहां पर एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। क्या कुछ उद्देश्य है, जानते हैं भारत भूषण जी से, जो की इंटरनेशनल योग गुरु है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? एक दिवसीय योग शिविर लगाया गया है सीनियर सिटीजन के उपलक्ष्य, उसमें सहयोग से भी और आपके सहयोग से भी, तो क्या कुछ उद्देश्य है? ये अपने आप में पहला और अनूठा प्रयोग है, क्योंकि योग दुनिया को भारत ने दिया और आज पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि सहारनपुर ने हर वर्ष योग को एक नया पहचान देने की कोशिश की है, चाहे वो अश्वारोही योग रहा हो, चाहे एक साथ 263,000 लोगों के द्वारा 363,000 लोगों के द्वारा इकट्ठे योगाभ्यास की बात हो, चाहे योग कोरोना के काल में योग कोरोना रोधी योग प्रोटोकॉल की बात रही हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग गीत जो है वो सहारनपुर ने योग जगत को दिया, उसी श्रृंखला में इस बार ये सोचा गया कि हम इसको केवल 21 जून को यौगिक क्रियाएं करके ना छोड़ दें। इसलिए योग का संस्कार जब तक नहीं होगा, तब तक हम योगी नहीं हो सकते, और इसलिए एक योग संकल्प भिक्षा अभियान जो है वो इस बार शुरू किया गया है, जिसकी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को भी दे दी, भारत सरकार के संज्ञान में भी ला दिया, और हमारा जो मोक्षायतन योग संस्थान है, सीनियर सिटीजन सोसाइटी है, क्योंकि जहाँ पर युवा ऊर्जा बुजुर्गों के संपर्क में नहीं रहती है, वहाँ पर वो भटकाव की ओर जाती है, तो हमने चाहा है कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, मतलब उनकी ऊर्जा को, उनके अनुभव को हम ऐसे ही न मर जाने दें, तो उनके संरक्षण में नई पीढ़ी आगे चले। तो सीनियर सिटीजन सोसाइटी और मोक्षायतन योग संस्थान ने मिलकर के एक समन्वित प्रयास शुरू किया है, और ये प्रयास केवल सहारनपुर तक नहीं बल्कि ये विश्वव्यापी जाएगा, और वो ये है कि हमारे जो बुनियाद है, क्योंकि संस्कार से ही पहचान हमारी होती है, तो ये बुनियाद है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ये भारत हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला देश है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना ना छोड़ें, माता पिता गुरु के प्रति जो है श्रद्धा भाव, उनको प्रतिदिन प्रणाम करें, इसके अलावा प्रतिदिन योगाभ्यास करें। केवल 21 जून का योग दिवस नहीं है, बल्कि हर दिवस योग का है, ये संदेश इसमें जाना है कि हर दिन हम योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करें तो उसके साथ फिर हमारा सात्विक भोजन होना चाहिए, और शरीर तक सीमित ना होकर के हमारा जो वांग्मय है, इतना ज्ञान भारत ने दुनिया के को परोसा है कि हमने केवल ग्रंथों के नाम याद रख रखे हैं और कुछ नहीं करते, तो उनको भी हम स्वाध्यायी बने। स्वाध्याय प्रतिदिन होना चाहिए, और जब गुरु कृपा से, योग साधना से, सात्विक आहार से और स्वाध्याय से जो हमारा कायिक मानसिक आत्मिक बल बढ़ेगा, तो उसको हम संभालें, और किसी भी तरह का जो नशा है उससे हमारे नई पीढ़ी बचे, समाज बचे। तो ये 5 संकल्प के साथ में ये अभियान शुरू किया जा रहा है। आज इसका पहला दिन था, और यहाँ से अभी रैली के रूप में सब साधक बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो अब चलती रहेंगी, क्योंकि आज ये हम सामूहिक रूप से निकल रहे हैं, उसके बाद ये जैसे किसी के कपड़े में अगर आग लग जाए ना, तो वो जहाँ जाएगा वहीं आग लगा देगा। तो ऐसे जो संस्कार, ये योग संस्कार भिक्षा अभियान जो शुरू हुआ है, तो इसमें जो जो लोग जुड़े हैं, ये समझिए उनके कुर्ते में आग लग गई, अब वो जहाँ जाएंगे वो इस काम को करेंगे, अब संस्थाओं में जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि व्यक्तिगत रूप से भी, अकेला व्यक्ति भी अगर है, अकेला भी साधक है, तो वो पहले इन 5 संकल्पों की बात करेगा, उसके बाद वो आगे यौगिक क्रियाओं की बात करेगा। मेयर जी, आप आज योग दिवस में पहुंचे हैं, तो आपने 5 संकल्प लिए, उनको लेकर क्या था? जो आज का एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें कि पिछले लगभग 100 डेज से योग का एक कैटेगराइजर के बाद से योग का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, और इसके निमित्त जब हम 21 जून को विश्व योग दिवस मनाएंगे, इसके निमित्त जो आज कार्यक्रम है संस्कार भिक्षा को लेकर, जिसमें एक तरह की श्रृंखला शुरू गई है, और जिसमें लोगों से भिक्षा मांगी गई है उनकी जीवन शैली में बदलाव को लेकर, तो उसके निमित्त आज पद्मश्री भारत भूषण जी के साथ हम इस योग के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। तो क्या लगता है, इससे कुछ बदलाव होगा जीवन में? बिल्कुल, जीवन में बदलाव होगा। हम लोग जिस देश में रहते हैं, वह देश पुरातन काल से ही और सदा से ही, जब से सृष्टि की रचना हुई, इन्हीं माध्यमों से काम कर रहा था, और इन्हीं माध्यम से विश्व गुरु था, और उसी दिशा में हम पुनः जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी दिशा में हम जाएंगे।
तो यहाँ लोग सम्मिलित हुए, उनके जीवन में कुछ बदलाव होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने आज योग किया? निश्चय ही उससे बदलाव होगा। आज योग नहीं किया, मैं तो बचपन से योग साधक हूँ और निश्चय ही उनके जीवन में बदलाव होगा, इसमें कहीं कोई किसी तरह का शक नहीं है। और हमारे मोक्षायतन इंटरनेशनल के गुरु जी भारत भूषण जी ने ये 5 संकल्पों की भिक्षा का अभियान शुरू किया है, इसका आज जो है प्रारंभ किया गया है। और ये 5 संकल्प है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, और दूसरा है अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का चरण वंदन, इसके बाद है योगाभ्यास, सात्विक आहार, और 5वां है नशे से मुक्ति। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के 5 संकल्प की भिक्षा मांगेंगे, और मैं एक दूसरे से करते करते जब ये जो ज्योति है ये पूरे पहले हमारे समाज में चलेगी, और उसके बाद पूरे देश में, और देश के बाद हम पूरे विश्व को, हम इसको ऊर्जावान बना सकते हैं, और पूरे विश्व को बदलने की इसके अंदर शक्ति है।